आज राज किचन रेसिपी में बनाएंगे आम की लौंजी, कच्चे आम की लौंजी। आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बना के देखना। सब उंगलियां चाटने वाले हैं, तारीफ करने वाले हैं, प्लेट भी खा जाएंगे और आप किलो किलो भर अकेले ही खा जाएंगे। हाँ, नहीं, किलो भर तो कोई नहीं खाता है, ये तो क्या बोलते हैं, टाइटल है। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम अमिया ली है, कीरी ली है और कच्चा आम लिया है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हम इसे मार्केट से लेके आए थे, तो हमने देखिए इसे कटवा लिया। अब घर में काटेंगे तो समय लगेगा और काटने का हिसाब किताब घर में है नहीं, तो अब इसे धोना जरूरी है। जैसे लेके आया था वैसे ही है। तो उसके लिए चाहिए पानी, पानी में डालेंगे केरी, अमिया, कच्चा आम, केरी, अमिया। लीजिए अब इसे चार पीस करने, और ये काटना जरूरी है, ध्यान रखना, ये जरूर काटना है। इनका पीस कर लेते हैं अलग अलग। क्या बढ़िया काट के दिए, वाह। और पिज्जा वाले से करा करो भाई, कोई डिस्काउंट दे दो, सब्जी वाले से डिस्काउंट मत मांगा करो, फायदे मेरा हो गए। ये देखिए, ओहो क्या बात है। अब इसका हमको रगड़ रगड़ के पहले धोना है। रगड़ रगड़ के धो लिया, काटना क्या है वो आपको चीरा, वो जो चीरा लगा के देता है ना, वो ये नहीं काट के देगा आपको। कहां गए यार, घूम गए, ये ले। हाँ, ये काटना जरूरी है, देखिए ये काटना जरूरी है। ये काट लेंगे हम, ये मिल गया, ये काट लिया। एक और है, पानी में डालने के बाद मिलेगा नहीं, चलिए बाद में ढूंढ के हम काट देंगे। उसके बाद काम आ जाता है ये जो बीज है, बीज का ये निकाल देंगे। तो बीज की, इस बीज के कच्चे आम के चाहे पका आम हो, ये जो बीज है ये, इसके बहुत फायदे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब आम से ज्यादा बेनिफिट इसके अंदर है। इसको भून के खाते हैं, किसी को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर फटाफट जल्दी से बता दो। इसको भून के खाते हैं, पर ज्यादातर खाते हैं पके हुए आम की गुठली होती ना, वो निकालते हैं, ये वाली। ऐसे तो बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी, थोड़ी सी कड़वी सी और थोड़ी सी मस्त लगती, भून के खाते ना, मो। फटाफट बता दो किस किस की दादी नानी ने बचपन में ये भून के खिलाई है। सच बता रहा हूं मैं, अभी के बच्चे तो जानते ही नहीं इसके बारे में। मैं तो अपने बच्चों को आम जो बचते ना, आम जैसे अभी आम आ रहे हैं, तो आम बचते ना उसकी गुठली फेंक देते लोग बाग। पर पुराने समय, जो पुराने समय लोग थे, ये देखिए ये भी मिल गया, वो गुठली नहीं फेंकते थे, उसको डाल देते थे पानी में, फिर उसको सुखा लेते। और भाई साहब क्या बताऊं आपको, इतने गुण करती है। केरी होती है, अमिया होती है गरम, और वो जो अंदर का ये जो पार्ट है ये होता है ठंडा। इस बारे में बताओ तो नीचे बता देना, बहुत सारी बीमारियां ये जो बीज है केरी का, अमिया का, बहुत सारी बीमारी दूर करता है ये। अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे तो पर्टिकुलर इसी की रेसिपी ला के दिखाऊंगा आपको मैं, कि वो आप अगली गर्मी में ही ला के दिखा सकता हूं। ये ले, एक और मिल गया, क्योंकि आम इकट्ठे करने पड़ेंगे, आम की गुठलियां कटेंगे, मैंने रेसिपी बनाई नहीं, और बहुत ज्यादा गुण करते हैं ये। चलिए बढ़िया से ये रह गया, ये तो छिलका ही है। चलिए अब इसे रखते हैं साइड में। अब चढ़ा दिए सुंदर और सुशील वाली कढ़ाई। काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई सुंदर सुशील तो वो होती है, उससे शादी होती है, तो मेरी शादी तो कढ़ाई से हो गई ना, तो मैं ऐसे ही सुंदर सुशील बोलूंगा। तो इसके लिए आपके बारे, आपको क्या मतलब समझ में आता है नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। लीजिए यहाँ पर डालते हैं मूंगफली का तेल 4 चम्मच, और 2 ऑयल वाले यहाँ पे पानी डालें, या मेन्यूज खाए। तेल हाई गरम करना है, और उसके बाद देखिए यहां से हमने पानी निकालने हैं, पूरा पानी झिड़काना है और बड़ी सावधानी से डालना है।
थोड़े बहुत तो छींटे आते हैं जब बनाते हैं। गैस लो फ्लेम पे रखनी है। एक छोटा चम्मच हल्दी डाल देनी है, आधा चम्मच सी सॉल्ट डाल देना है और आधा चम्मच ही चटकारे के लिए काला नमक डाल देना है। और अब इसे 5 मिनट चला लेना है। कितना? 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर। पूरे 5 मिनट हो गए इसे चलाते हुए। अब इसे हम गैस बंद करके निकाल लेते हैं। ये यहां पर एक बार मेरे तरीके से बनाओगे ना, मजा आने वाला है। अब तेल गरम है पर गैस हमने बंद कर दी है, तो सबसे पहले क्या डालना है इसमें? डालनी है 8 से 10 पिंच अजवाइन, एक बड़ा चम्मच इतना धनिया पाउडर, साथ में एक छोटा चम्मच दरदरी कुटी हुई राई। मोटे वाले राई के दाने नहीं डालें, छोटे वाले डालें। मेथी दाना 8 से 10 पिंच या एक छोटा चम्मच, 5 से 6 काली मिर्ची और 2 लौंग, आधा चम्मच जीरा। अब गैस को ऑन कर देते हैं और इनको तड़का लगने देते हैं, थोड़ा सा चला लेते हैं। चलाओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। और इनको ज्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का सा तड़का लगाना है। हल्का सा तड़का लगते ही इसमें डाल देनी हमें सौंफ। कितनी? 1 बड़ा चम्मच सौंफ। और देखिए, आपकी लौंजी अच्छी नहीं बनती है ना, उसका एक ही कारण है कि सौंफ कम होगी, बाकी और कोई कारण नहीं है। आधा चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं, और अगर आपका जलजीरा हो तो मजा आ जाएगा। तो आधा चम्मच चाट मसाला और जलजीरा इस जगह 1 छोटा चम्मच डालें। ये लीजिए, मिला लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। कितनी? 200 ग्राम चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 50 ml इसके घुलने देंगे चीनी को। पानी यहाँ पर और रिक्वायरमेंट मांग रहा है तो 1 कप के आसपास पानी डाल दें आप। अब चीनी को घुलने देते हैं, पानी तो वैसे भी और जाएगा अभी। जब इस तरीके से उबाली आ जाएगी तो करीब करीब आपकी चीनी घुल जाएगी। क्या करना है? इसमें डालना है 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। कलर दिखता है ना, बिना कलर के कौन खाएगा? लीजिए, मिला लेते हैं और मेन सामग्री 1 बड़ा चम्मच क्या? ड्राई पुदीना, इसके बिना मजा नहीं आएगा। लीजिए, मिला लेते हैं। गैस देखिए यहां पर अभी हाई फ्लेम पे ही है। देखिए नीचे गैस, देखिए हाई फ्लेम पे ही है। अब अमिया कीवी कच्चा आम डाल देते हैं और मिला लेते हैं। साथ में 1/2 कप पानी और डाल देते हैं, 1/2 कप या 1 कप। गैस को लो फ्लेम पे करते हैं, इसे ढककर रख देते हैं पूरे 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर पूरे 5 मिनट हो गए हैं, हटाते हैं ढक्कन। आय हाय हाय हाय। अब यहां पर आपको पानी चाहिए तो डाल सकते हैं, पर ये थोड़ी देर बाद गाढ़ी हो जाएगी। आप लोगों को पता है इसमें एक चीज भी डाली हमने,
उसके बिना लौंजी का टेस्ट नहीं आएगा। और दूसरा ये जो अमिया है ये पक जानी चाहिए, अगर नहीं पकी तो मामला खराब हो जाएगा। तो इसको एक बार काट के देखते हैं हम कितनी पकी है ये। वाओ वेरी गुड, ये देखिए इस तरीके से छिलका आ रहा है, वाह क्या बात है, हो गया अपना काम। अब गैस बंद करते हैं, अब लास्ट तड़का लगाते हैं। ये लीजिए तड़का चम्मच, ये ही है मेरे पास में। इसमें डालते हैं एक चम्मच सरसों का तेल, अच्छे से धुआं निकलने देते हैं। अच्छे से धुआं निकल गया, गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे और लौंजी की जान कलौंजी, लौंजी की जान कलौंजी डालेंगे एक छोटा चम्मच और गैस को बंद करेंगे। यहां आएंगे, इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच हींग और लगा देंगे तड़का। हाय हाय हाय, जो खाएगा वो याद करेगा, ये बनके तैयार है कच्चे आम की लौंजी। हाय हाय, जो खाएगा आपकी तारीफ करेगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। ऐसी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल पर आपकी काफी रेसिपी होने देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए। और आज जो बनाइए बिल्कुल यूनिक आम की लौंजी, कच्चे आम की लौंजी, केरी की लौंजी, अमिया की लौंजी, उसे खाकर खत्म करते हैं, घर वालों को खिलाकर। एक दिन में नहीं खानी है, थोड़ी थोड़ी खाओ।